तो भाई बात हो रही थी कि NPCI वेरीफाइड नहीं हो रहा है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैंने कैसे पिछले वर्ष आप लोगों की मदद किया था। जिन बच्चों की स्कॉलर नहीं आई थी उनके में कुछ इरर आया था, जब बाद में स्टेटस चेक कर रहे थे किसी के में लिख करके आ रहा था इनसफिशियंट फंड, किसी के में कुछ इरर लिख करके आया था, तो मैंने उन लोगों की भी हेल्प किया था और उसमें से लगभग 90% बच्चों को स्कॉलर मिल गई थी। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्कॉलर आप लोगों को भी मिलेगी। लेकिन मैं जैसे बताता हूँ उसी तरीके से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाया हुआ है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया है। तो हर परेशानी से आपको लड़ करके आपको स्कॉलर प्राप्त करनी है, स्कॉलर पाना है। बस आप एक मन बना लीजिए कि मुझे स्कॉलर पाना है। जो भी परेशानी होगी उससे रिलेटेड हेल्प करने के लिए मैं हूँ, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था उसमें 5 मिलियन क्रॉस हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए भी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ये कि मेरे 5 मिलियन मेरे पुराने यूट्यूब चैनल में क्रॉस हो गए हैं। तो बिल्कुल भी अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी स्कॉलर मिलेगी। मैं उसी तरीके हेल्प करूंगा जैसे मैंने पिछले वर्ष अपने उस यूट्यूब चैनल में आपकी हेल्प किया था, उसी तरीके मैं आप लोगों की इस चैनल में भी हेल्प करूंगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो मैं प्राइवेसी लगा करके पोस्ट करता हूं। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी वो वीडियो नहीं देख पाएंगे जिस वीडियो में प्राइवेसी लगी होगी। प्राइवेसी लगाकर वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसमें केवल जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है केवल वही लोग देख सकते हैं। इसलिए आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो भाई बात हो रही थी कि NPCI वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि NPCI 24 से 48 घंटे में अपने आप वेरीफाइड हो जाएगा। यदि अपने आप वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो आप बैंक में सूचना दीजिए, वहां से आप NPCI एक्टिवेट करा दीजिए। बहुत से खाता में NPCI एक्टिवेट नहीं होता है जिसके कारण यहाँ पर NPCI में ग्रीन टिक नहीं लग पा रहा है। तो अब बहुत से लोगों ने हमें कमेंट करके बोला, सर आपने बोला था कि NPCI 24 से 48 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, NPCI 24 से 48 घंटे में ग्रीन हो जाएगा। तो भाई ग्रीन टिक तो 24 से 48 घंटे में लग जाएगा, लेकिन मैंने उसके बाद जो लाइन बोली थी वो भी आप ध्यान दीजिए। मैंने बोला था यदि आपका ग्रीन टिक नहीं हो रहा है तो आप बैंक में सूचना दीजिए, बैंक से आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा। जिन लोगों का ग्रीन टिक है या जिन लोगों का वहाँ पर बैंक से एक्टिवेट है, उन लोगों का स्कॉलरशिप फॉर्म में अपने आप ग्रीन टिक हो रहा है 24 से 48 घंटे में। तो यदि आपके फॉर्म में ग्रीन टिक नहीं हो रहा है तो आप बैंक में सूचना दीजिए और बैंक जाकर आपको ग्रीन टिक कराना है। तो अब बैंक में जाकर आपको एक्टिवेट कराना है, ठीक है, लेकिन अब बैंक जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड ले लीजिए, बैंक पासबुक ले लीजिए, अपना आधार कार्ड ले लीजिए, और हो सकता है कुछ बैंक में फोटो मांगते हैं इसलिए अपनी 2 फोटो भी आप साथ में लेकर के जाइए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाने हैं। उसके बाद बैंक में बोलना है कि सर मेरा NPCI एक्टिवेट कर दीजिए, बैंक आपका NPCI एक्टिवेट कर देगा। उसके जब बैंक एक्टिवेट करेगा तब तुरंत नहीं यहां पर ग्रीन टिक स्कॉलर के फॉर्म में हो जाएगा। आप लौट कर आइए, आप बोलिए सर आपने बोला था, मैंने बैंक में भी करवा दिया, अब यहां पर ग्रीन टिक नहीं हो रहा है। जब बैंक वहां से एक्टिवेट कर देगा उसके 24 से 48 घंटे बाद फिर आपका ग्रीन टिक होगा स्कॉलर की साइट पे। तो इस तरीके से आप NPCI को एक्टिवेट करा सकते हैं। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं फॉर्म भरने से लेकर जब तक आपको स्कॉलर नहीं मिल जाती है तब तक मैं आपकी हेल्प करता हूं। यदि फॉर्म भरने के बाद कोई इरर आता है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ, कुछ वीडियो प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ। तो मेरे वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसलिए यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको यदि स्कॉलर का फॉर्म भरने में लास्ट तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट में स्कॉलर आपकी नहीं आती है, स्टेटस में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।